अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, आज की जो वीडियो है वो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो यहाँ पे दुबई के यूएई के अंदर आके अगर ऊबर और क्रीम का काम करना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं बाई कार, तो वो उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उनको वो जॉब्स मिल सकती है। तो इसलिए आज मेरे साथ में है सईद। सईद का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है और ये पिछले 4 साल से लेमोजीन की गाड़ी चला रहे हैं, ऊबर और क्रीम के साथ काम कर रहे हैं। ए टू जेड आपको ये सारी डिटेल्स देंगे कि आप यहां पे आके कैसे ये काम कर सकते हैं, लाइसेंस कैसे लेना है, इसके बाद आपको लेमोजीन कंपनी का वीजा कैसे मिलेगा, कितनी इनकम आप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको सही देंगे। आई विल नॉट टेक एनी फर्दर। सईद, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे टाइम दिया। ये काफ़ी बिजी स्केड्यूल में से इन्होंने अपना टाइम निकाला मेरे लिए। सईद, सबसे पहले जो लोग भी इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश, नेपाल में हैं, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो बोलते हैं जी हमने ऊबर का काम करना है, क्रीम का काम करना है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में भी ये काम होता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा जो सबसे पहले उनको मैं क्लियर कर दूँ कि क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का लाइसेंस आपको यहाँ पर वैलिड होगा, नहीं होगा तो आपको लाइसेंस का क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि ऊबर और क्रीम में आप कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, आपके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेश का लाइसेंस है तो वो वहाँ पर लेके आए। अगर पुराना है तो वो वहाँ पर आपको जो नया लाइसेंस लेंगे तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं कि तो वो क्लासेज कम कर देते हैं। तो लेमोजीन के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़रूरी है कि लाइसेंस आपके पास होना। लाइसेंस होगा तो आप इसके लिए काम कर सकेंगे, नहीं तो आपको लाइसेंस लेते हुए बहुत टाइम लगता है। और लेमोजीन कंपनी ऐसा बंदे नहीं हायर करती जो कि टाइम ज़्यादा ले, जिसके पास वीज़ा ना हो। ओके, बेसिकली जो जिन लोगों के पास इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल का लाइसेंस है, अगर वो लाइसेंस यहाँ पे लेके आते हैं तो उनको जो क्लासेज होती है, वैसे नॉर्मल आपको 40 क्लासेज करनी पड़ती है, उस अगर आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस है तो आपको सिर्फ 20 क्लासेज लेनी पड़ेगी, तो वो आपका 50% काम कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर नहीं, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है वो ड्राइवर को मालूम होती है, तो 40 की जगह आपको 20 क्लासेज लेनी पड़ेंगी। ओके जी, यहाँ पे तो लाइसेंस आ गया, लाइसेंस आने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, गाड़ी का क्या होता है? क्योंकि जो उधर इंडिया पाकिस्तान में तो ये इशू होता है कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों को चलाते हैं, यहाँ पे उसका क्या सिस्टम है? यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी पर्सनल कार ऊबर या क्रीम में नहीं चला सकता। इसके लिए लाजम है कि आप लेमोजीन कंपनी से गाड़ी चलाएं, निकालें उनसे, उनकी गाड़ी चलाएं या अपनी गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी गाड़ी नहीं चलेगी, लेमोजीन कंपनी की गाड़ी ही चलेगी। ओके, बेसिकली गाड़ी आप लेंगे लेकिन आप कंपनी के नाम पे लेंगे। जी, कोई भी आदमी ले सकता है, लेकिन अंडर कंपनी, लेमोजीन कंपनी के आप गाड़ी ले सकते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, इसमें यह है कि पैसे आपको पे करने हैं लेकिन वो गाड़ी कंपनी लेमोजीन के नाम पर होगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये ना हो कि कंपनी आपसे गाड़ी ले ले, ऐसी चीज़ें नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रूल है, जो भी कंपनी आपको गाड़ी ले कर देती है वो उसके नाम पर होती है, लेकिन जो पेमेंट्स होती है, इंस्टॉलमेंट्स होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि आप हर कोई गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की गाड़ियाँ होती है जो लेमोजीन में आप अप्रूव हो सकती है। उसके अलावा जिस तरह होगी क्रोला हो गई, ये आरएस हो गई, हुंडा हो गई, इस तरह की गाड़ियाँ नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल, ये ज़्यादातर लेक्सिस और यानी कि प्रीविया और ऐसी यानी कि लग्जरी कार जो है ना वो चलती हैं। और इसके अलावा किया क्रेडेंजा भी ले सकते हैं, किया कार्निवल भी इसमें चला सकते हैं आप, यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन छोटी मोटी यारस और करोला ये वो ऐसे ही नहीं चलेंगी। ओके, सो व्यूवर्स, इसमें आप जैसा देख लिया, जब मैंने गाड़ी आपको शुरू में भी दिखाई गई वो लक्सिस गाड़ी थी, उसमें क्या होता है कि कुछ जो भी है इधर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूव की हुई है कि सिर्फ ये ही गाड़ियां आप इधर लेमोजीन में ले सकते हैं। अगर आपके पास वो गाड़ी नहीं है तो उसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो जब आपकी गाड़ी आती है तो उसकी नंबर प्लेट आपको RTA के साथ रजिस्टर करनी पड़ती है, और अगर आपकी उस कैटेगरी की गाड़ी नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको RTA के साथ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। और क्या है कि गाड़ी बिल्कुल नया मॉडल होना चाहिए, पुराना यूज मॉडल भी इसमें नहीं चला सकते। कितना साल पुरानी गाड़ी आप पुरानी यानी कि आपने अभी ली तो 5 साल गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि 2 साल 1 साल 3 साल यूज्ड कार इसमें नहीं आप। सो सपोज अभी अगर किसी ने 2021 मॉडल लिया है तो वो 2026 तक इसको चला सकता है, 26 के बाद उसको वो सेल पास नहीं होगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको गाड़ी हर साल पास करवाना पड़ती है इधर RTA रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाके। अगर आपकी वो पर्सनल गाड़ी है, लेमोजीन है या ट्रक है, बस है, कुछ भी है, वो आपको हर साल उधर से जाके अप्रूव कराना
पड़ती है, लेकिन सिर्फ अगर लेमोजीन में यह है कि 5 साल से ज्यादा अगर आपकी गाड़ी पुरानी होगी तो वो आप उसमें लेमोजीन में नहीं चला सकते हैं। ओके सही, थैंक यू। ये तो सारी चीज होगी कि लाइसेंस कैसे लेंगे, गाड़ी कौन सी होगी और गाड़ी कंपनी के नाम पर ही होनी चाहिए। मेन चीज जो है कि वीजा आपके पास कहाँ से आएगा, आपको कंपनी वीजा प्रोवाइड करेगी, आपको अपना लेना पड़ेगा, अगर उसका अपना लेना है तो उसके क्या एक्सपेंसेस है, कंपनी फ्री देती है, चार्ज करती है, उसकी क्या सिचुएशन होती है? देखें तो पहले बात करते हैं कि वीज़ा फ्री या पैसों का मिलता है, तो बात यह है कि ज़्यादातर कंपनियां जो हैं, जो नई कंपनी खुलती है तो वो कुछ हो सकता है कि कोई फ्री वीज़ा दे दे या आस्ता आस्ता आपके सैलरी से काटें, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि पैसे लेते हैं और तकरीबन 6-7 हज़ार दिरहम का वीज़ा मिलता है। और वीज़ा क्या है कि आप दूसरा या दूसरी कंपनी का या आज़ाद वीज़ा इसमें नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लिमोजीन कंपनी का जो वीज़ा होता है वही, उसी के ऊपर आप ये ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी का वीज़ा इसलिए भी शायद लाजमी है कि आपको RTA का कार्ड भी जो उस कंपनी से ही आपको RTA कार्ड भी इसी कंपनी से बनेगा, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर कंपनी का नाम, लिमोजीन का काम नाम उसके ऊपर मेंशन होगा। सो व्यूअर्स, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, अगर आप उनसे गाड़ी लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल चार्ज यू फॉर द वीज़ा। अभी वो कितना लेती है इसका मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। लास्ट में जो सबसे चीज़ ज़्यादा लोग ये पूछते हैं, जी हम यहाँ पे आ गए, लाइसेंस ले लिया, गाड़ी ले ली, कंपनी से वीज़ा भी निकाल लिया, इनकम कितनी हो जाती है यहाँ पे अगर आप एक लिमोजीन चलाते हैं, आपकी अपनी गाड़ी है या आप कंपनी की गाड़ी लेके चलाते हैं, तो उसमें आपको कितनी इनकम हो जाती है? जी तो जनाब देखें, अगर आप फ़र्ज़ किया अपनी गाड़ी लेते हैं तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी, जैसे कि इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है और भी चार्जेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट और नंबर प्लेट के ऐसा चार्जेस काफ़ी होते हैं जो कि पे करना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ये सब कुछ पे करने के बाद तकरीबन 4,000-5,000 दरम आपको, जैसे कि नॉर्मल आप बाहर काम करते हैं सैलरी 5,000 लेते हैं, इतने बच जाते हैं। जब इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं होगी 3 साल के बाद, जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगी तो आपको डबल प्राइस उसका, जो डबल इनकम शुरू हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आप शुरू में ही आप इनकम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कि आपके पास अगर गाड़ी कैश की है, यानी कि बैंक से पूरा टोटल कैश पेमेंट किया, तो आपको अच्छी खासी बचत हो जाएगी। सो बेसिकली इसका यही है व्यूअर्स कि अगर आप अपनी कैश पे गाड़ी लेते हैं आपको इंस्टॉलमेंट की कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं तो पर मंथ आपको 3-4 हज़ार दिरहम उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी। सपोज आप एक महीने में 10,000 दिरहम कमाते हैं, 10,000 में से 3-4 हज़ार दिरहम तो स्ट्रेट अवे आपका वो चला जाएगा उस बैंक की इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो पीछे आपके बचेंगे जो भी पैसे हैं उसमें, पेट्रोल के, सैलेक के, इसके अलावा कंपनी की नंबर प्लेट के, वो सारे खर्चे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिकली ये चीज़ होती है कि गाड़ी आपकी अपनी है, तो फिर आपको ये है कि उसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी, आपके वो जो पैसे आपने बैंक को देने थे वो आपके पास ही रहेंगे एज योर सेविंग। सो इसमें अगर गाड़ी, ए तो हो गया कि गाड़ी अपनी है, अगर कुछ कंपनियां भी होती हैं कि अगर आपके पास लिमोजीन का लाइसेंस है तो वो भी आपको गाड़ी दे देती है, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है कि वो आपको कंपनी को कितना पे करना पड़ता है, पर डे का हिसाब होता है, पर मंथ पे करना पड़ता है, क्योंकि उसमें गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें का क्या सिस्टम होता है? जो भी लोग नए हैं स्पेशली, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अगर उनके पास लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो वो कैसे कंपनी की गाड़ी ले सकते हैं? तो जनाब ऐसा होता है कि अगर आप लिमोजीन का वीज़ा है उसके, उसी का RTA कार्ड भी है, तो आप लिमोजीन कंपनी की गाड़ी चला सकते हैं। और वो ये चार्जेस होते हैं कि अगर आप 12 घंटे, आपकी मर्जी है 12 घंटे चलाना ही है, यानी कि 12 घंटे अपने पास गाड़ी रखनी है, 24 घंटे अपने पास रखनी है, उसमें आपकी मर्जी है 12 घंटे चलाओ, 14-18 घंटे जितना भी कराना है, तो उसमें क्या था, 12 घंटे अगर आप गाड़ी उन कंपनी से लेंगे तो पहले क्या था, जब काम बहुत ज़्यादा था उस टाइम 150 चार्ज करते थे 12 घंटे का, तो 12 घंटे में आप कितना भी कमाएं, पेट्रोल डालें और 150 कंपनी का दें एक्स्ट्रा आपके। तो अभी क्या है कि अभी इस टाइम जो है ना, तकरीबन 100 दिरहम जो चार्ज कर रहे हैं 12 घंटे के, 100 दिरहम कंपनी लेती है, यानी कि काम थोड़ा शॉर्ट है, हो सकता है अक्टूबर तक काम सही हो जाएगा और वो दोबारा 150 लेना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक 100 है 12 घंटे का। अगर 24 घंटे करेंगे तो तकरीबन 200 दिरहम वो ले लेते हैं ऐसे पूरे 24 घंटे अगर आप गाड़ी रखेंगे तो। सो व्यूअर्स, ये सारी थी डिटेल। जो लोग भी ऊबर या क्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, सईद का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिसका भी मैं लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे लिमोजीन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से ये यही काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट लिया और इंस्टॉलमेंट क्लियर भी कर दिया, अभी इनकी ये पर्सनल गाड़ी है। आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं जो कि सईद राजा 883 के नाम से है। आपको यहाँ पे अगर इसका रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद मैं इनके मैसेज का लिंक भी नीचे दे दूंगा, जहां पे आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं। जी तो इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं दुबई में इस वीज़े के ऊपर,
अगर आप बाहर कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप मुझे कॉमर्स या फिर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वीज़ा आगे भी का प्रोसीजर ये आपको बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी डिटेल ये आपको दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।